दोस्तों, क्या आपने कभी प्लेन में ट्रैवल किया है? अगर आपने नहीं किया है तो ये वीडियो देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे प्लेन क्रैश होने का वीडियो जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लेन के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि प्लेन में काफी ज्यादा सुरक्षा रखी जाती है, यहाँ तक कमर्शियल फ्लाइट में शायद आपको पता हो तो लगभग हर फ्लाइट में मिनिमम 3 पायलट रखे जाते हैं, और हर प्लेन के उड़ान भरने से पहले जो हेड पायलट होता है वो प्लेन के सारे टेक्निकल पॉइंट को अच्छे से चेक करता है। मगर फिर भी इतने कड़ी सुरक्षा के बाद भी हर साल 10 से 15 प्लेन क्रैश हो जाते हैं, और न जाने कितने लोगों की मौत मात्र कुछ ही सेकंड में हो जाती है। एरोप्लेन क्रैश होने के कई कारण होते हैं, मगर कुछ आंकड़ों के मुताबिक ज्यादातर प्लेन क्रैश यात्रा शुरू होने के 3 मिनट पहले ही या अंत में 8 से 9 मिनट पहले होते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप कर दो। इस वीडियो को लाइक करके हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, ताजिक एयर। शाम का वक्त और दिन 28 अगस्त 1993 था, जब ये एयरप्लेन अपने एयरपोर्ट के रनवे से टेक ऑफ कर रहा था। मगर समस्या तो तब बढ़ गई जब इसने शुरुआती समय में ही टेक ऑफ में ज्यादा समय ले ली, और धीरे धीरे उड़ान भरने के दौरान ओवरलोड होने के कारण ये प्लेन क्रैश हो गई। इस प्लेन में पूरे 84 यात्री सफर कर रहे थे, मगर दुख की बात यह है कि इसमें से 53 यात्रियों की जान चली गई। इसमें 31 यात्री जो बचे थे उनकी मौत तो नहीं हुई, मगर काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई थी। नंबर 2, जब ये एयरक्राफ्ट अपने पूरे उड़ान को भर के वापस अपने रनवे पे लैंड कर रहा था तभी कुछ तकनीकी खराबी के कारण इसका बैलेंस बिगड़ गया। काफी तेजी से ये नीचे की तरफ गिरने लगा, और जैसे ये जमीन पर टकराया वैसे ही इसमें आग लग गई। मगर ये आग अभी पीछे की तरफ ही लगी थी, लेकिन अब आग इंजन की तरफ पहुंचने वाला था। अगर ये आग इंजन की तरफ पहुंच जाएगा तो बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाएगा। मगर उससे पहले इस प्लेन में मौजूद 3 पायलट बाहर आ गए, और ऊपर वाले ने इन तीनों की जान बचा ली। ऊपर वाले के कारण इसमें मौजूद किसी का भी जान नहीं गया। बता दो कि इसमें सिर्फ 3 ही लोग थे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्लेन उड़ान भर के वापस आ रही थी तभी यह घटना हुआ। अगर पहले हुआ होता तो न जाने कितने लोगों की जान चली गई होती। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप कर दो। नंबर 3, इस प्लेन के उड़ान भरने से पहले हर एक चीज काफी ज्यादा बारीकी से इसमें चेक किया गया था, और यह प्लेन अपने रनवे से सही से उड़ान भर लिया था। मगर किसी टेक्निकल समस्या के कारण जहाज का इंजन आसमान में अचानक से बंद हो जाता है, जिसके कारण यह जहाज काफी तेजी से नीचे आकर गिर गई, और इसमें काफी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बहुत ही कम लोग थे जो इस घटना से बचे थे। नंबर 4, 4 फरवरी 2015 को जब ये फ्लाइट 60 पैसेंजर को लेकर सोंगसान एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद किलंग रिवर से होते हुए जा रही थी, मगर 3 मिनट बाद ये अपनी जगह पर लैंड हो जाती। लेकिन तभी अचानक से आइलैंड का संपर्क रेडियो टावर से छूट गया, जिसके कारण ये प्लेन हाईवे से टकराती हुई देखी गई। कुछ लोग इस हादसे का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन अब इसके आगे क्या हुआ इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिला। अगर आपको पता है कि आगे क्या हुआ होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नंबर 5, यह हादसा सबसे ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि दोस्तों इस हादसे से जहाज में मौजूद सारे लोगों की मौत हो गई थी। ये जहाज अपने स्थान पर लैंड होने थी तभी किसी तकनीकी समस्या के कारण ही अपनी कंट्रोल खो बैठी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।